पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर गांव झाकोलाड़ी के पास उस समय हादसा हो गया जब मोटरसाइकिल सवार तीन लोग तेज रफ्तार से एक बुजुर्ग से जा टकराए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज दौरान दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। डैथ हुई एक बड़े सत्कारयोग साडे बजुर्ग फौजी अंकल जी सी, उन्हां नाल उन्हां दी टक्कर हुई है। उन्हां दी वी ऑन दी स्पॉट रमन दीप हॉस्पिटल लैके गए हैं, पर उत्थे उन्हां दी वी डैथ हो गई है। एक झाकोवाड़ी दी डैथ हो गई और तीजा मुंडा इस टाइम अपनी जान ते खेडन डिया, उन्नू भी 24 घंटे दा अल्टीमेटम। मोटरसाइकिल ते सवार तीन नौजवान जिहड़े ने टोल प्लाजे तों पठानकोट दी साइड नूं जा रहे सी, जदों धोबड़ाली पुलिस लागे पहुंचे ने तों उत्थों इक बजुर्ग प्रेम कुमार नाम दा बजुर्ग सीगा, 70-75 साल दे इर्द गिर्द उहदी एज सी, तो वह रोड क्रॉस कर रहे सी, जिहड़ा कि इन्हां दी ब्रेक नहीं लगी, ना ब्रेक लगन कारण जिहड़ा मोटरसाइकल उहदे विच वज गया बजुर्ग दे विच, ते वह रोड दे उत्ते डिग पिया। जिहड़े मोटरसाइकल सवार सी मुंडे तीन, पंकज कुमार ते इहदे नाल दो होर साथी, इह वी जिहड़े रोड दे उत्ते डिग पए सी, जो जख्मी हो गए, काफ़ी गंभीर चोटां लगियां सी। इन्हों मुड़ के एंबूलेंस का अरेंजमेंट करके तो सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया है प्रेम कुमार जी, जिन्हों उन्होंने प्रेम कुमार अमनदीप हॉस्पिटल का रैफर करता है, जिथे इलाज दौरान जी डैथ हो गई है। तो वो संबंध मतलब कि एक जो पंकज कुमार जरा मोटरसाइकिल चालक ही जो जख्मी होया है, वो भी जी इलाज दौरान जी डैथ हो गई है। तो दो बंदे जोड़े वो गंभीर जख्मी ने, वह हॉस्पिटल के जेरे इलाज ने, मुकदमा दर्ज करके तो तफ्तीश जी आरंभ की गई है। जो भी कसूरवार पाया जाएगा वो खिलाफ जी कानूनी कार्रवाई की अमल में लिया जाएगी। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।